के साथ एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा के सिरसा से। सिरसा से बड़ी खबर है, कालावली में कल हुई गोलीबारी का यह पूरा मामला है। जग्गा तकमल ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर घटना की जिम्मेदारी ली गई है। जग्गा तकमल के घर पर पिछले दिनों NIA ने छापेमारी भी की थी और अब कालावली में जो कल गोलीबारी की घटना हुई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, अब ऐसे में इस पूरी घटना की जिम्मेदारी, इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी जग्गा तकमल ने ले ली है। लेकिन सवाल एक, कब तक पुलिस जग्गा तकमल तक पहुंचती है? जग्गा तकमल के घर पर पिछले दिनों NIA की छापेमारी भी देखी गई थी, कालावली में कल हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी जो है वो जग्गा तकमल ने ली है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सिरसा से नकुल जसूजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल, अब इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले ली है जग्गा तकमल ने, ऐसे में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल देखने को मिल रही है? नकुल, देखिए पुलिस के सोर्सेज की बात की जाए तो कल पुलिस के सोर्सेज की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं जग्गा तकमल जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस पूरी घटना को अंजाम देने में। लेकिन इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब जग्गा तकमल ने पोस्ट शेयर की तो उस पोस्ट में उसने सीधा जिक्र कर दिया कि ये जो कालावाली में जो गोलीबारी हुई है उसके पीछे उसका ही हाथ है। और जो बाकी उसने एक बात उस पोस्ट में एक बात और लिखी है कि अगर बाकी जो रह गए हैं उनसे भी वो उनको भी नहीं छोड़ेगा, तो इस तरह की बात ली है। हम आपको बता दें और अपने दर्शकों को बता दें कि जग्गा तकमल के घर पिछले दिनों NIA ने रेड भी की थी और जानकारी ये भी निकल कर आ रही थी कि जग्गा तकमल के जो बंबीहा, पंजाब के बंबीहा गैंग के साथ लिंक है और वो कहीं ना कहीं इसी तरह की गैंगस्टर एक्टिविटीज में रहता है। तो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं को पुरानी रंजिश थी, जो दीपक उर्फ दीपू जिसकी मौत हुई है वो जो है ट्रक यूनियन, जो कालावाली की ट्रक यूनियन है उसका प्रधान है और कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश चल रही थी। अब तक की जो जांच है उसमें ये भी सामने निकल कर आया है कि जिस स्कॉर्पियो में हमलावर सवार हो गए होकर आए थे उस स्कॉर्पियो से जो है वो काफी देर से उनका पीछा किया जा रहा था, रेकी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस की तरफ से चार टीमें बनाई हैं जो अलग अलग जगहों पर रेड्स कर रही हैं, सिरसा CIA, डबवाली CIA, कालावाली CIA और उसके अलावा जो कालावाली के SHO हैं, कालावाली के DSP हैं, उन्होंने एक अलग टीम तैयार की है। साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है कि उस दौरान कौन से नंबर है जो एक्टिवेट थे, किन नंबरों पर बातचीत हो रही थी, तो तमाम जो पहलू है उस पर पुलिस जांच कर रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब को, क्योंकि कालावाली के साथ पंजाब का क्षेत्र है, तो पड़ोसी राज्य पंजाब के जो बठिंडा जिला के जो SP है, ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ, जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब ये जो जिम्मेदारी है वो जग्गा तकमल की तरफ से ले ली गई है। जो भी बमबारी हुई, गोलीबारी हुई सिरसा में, कालावली में, उसकी जिम्मेदारी जग्गा तकमल ने ले ली है। अब लगातार जो पुलिस है वो आगे की जांच कर रही है जग्गा तकमल तक पहुंचने के लिए। शायद हो सकता है कि पंजाब पुलिस का भी जो है उसमें सहयोग लिया जाए, क्योंकि यह बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने भी अभी आपको बताया कि किस तरह से पंजाब के जो गैंग है, बंबीहा गैंग है, उससे वो जुड़ा हुआ था। ऐसे में संभव है कि पंजाब पुलिस की भी सहायता इसमें ली जाए। तो ऐसे में एक बार फिर से हमारे संवाददाता जो है नकुल जसूजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल जसूजा, जो ये केस है, आपने बताया कि पंजाब के जो गैंगस्टर्स हैं, पंजाब के जो गैंग्स हैं, ये जग्गा तकमल उनसे भी संबंध रखता है। ऐसे में हो सकता है कि पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जाए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए। नकुल, बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस का सहयोग भी लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कालावाली का जो एरिया है वो पंजाब बॉर्डर पर है, बिल्कुल पंजाब बॉर्डर के पास कालावाली का एरिया पड़ता है। और अक्सर जब वारदातें होती हैं, चाहे पंजाब में हो और चाहे हरियाणा में हो, तो आसपास के इलाके में भाग जाते हैं इस तरह के हमलावर,
तो हो सकता है कि जग्गा तख्तमल जिसका नाम आ रहा है, जिसने जिम्मेदारी ली है, हो सकता है कि वो पंजाब में चला गया हो इस वारदात को अंजाम देने के बाद। तो पंजाब पुलिस से भी मदद जो है सिरसा पुलिस लेगी, क्योंकि कल जो हमें इनपुट्स मिल रहे थे उसमें ये जानकारी मिल रही थी कि घटना के बाद सिरसा पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजी गई कि यहाँ पर इस तरह की एक गैंगवार की घटना हुई है, इस तरह की एक गोलीबारी की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को भी अलर्ट किया जाए कि कहीं जो हमलावर थे वो हरियाणा से यानी कि कालांवाली से पंजाब की तरफ ना चले जाए। तो इन्फॉर्मेशन जो है पंजाब को दी गई है और हो सकता है कि पंजाब पुलिस की मदद ली जाए, पंजाब में भी नाकेबंदी की जाए। हालांकि कालांवाली क्षेत्र में जो पंजाब के बॉर्डर हैं या आसपास के इलाके के जो नाके पड़ते हैं वहां पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। जी ठीक है नकुल जसूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।